सब्सक्राइब कीजिए बीमार बिल्ली चैनल को और इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। खाने तो पहुंच गए, टोकन नंबर लिया है, एक नंबर है, फर्स्ट नंबर है अपना, पहला पहला नंबर। इसके अंदर अपनी बिल्ली है और ये तो यहाँ लगता है यहाँ की बिल्ली है, कोई छोड़ गया लगता है उसे। दवा खाने तो हम पहुँच ही गए, डॉक्टर कब आएंगे, सर्जिकल ओपीडी। वहाँ के इलाज से नाखुश हो गए हम लोग, अभी हम लोग आज ही के दिन दूसरे दवाखाने जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे अच्छे से इलाज होता है क्या। इन लोगों ने सिर्फ दवा लगाई और बोले जाओ, हमें वो मंजूर नहीं, देखते हैं दूसरा दवाखाना आज ही के दिन। आ गए हैं दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ पे बिल्ली को एडमिट करेंगे, इसके गले में एक टैग लगाया है, अभी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ अपने सारी डिटेल्स। पेशेंट को हम यहाँ पे भर्ती कराने ले आए तो डिटेल यहाँ पे फॉर्म फिल कराते हैं, आपका एड्रेस नंबर सारा लेते हैं। उस हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज हमें लगा नहीं तो हम लोग इसे दूसरी जगह पे लेके आए। ये हमारा पेशेंट नंबर है 69, इसका पेट नीचे से फटा है, शायद दूध पीते बच्चों ने कुछ इन्फेक्शन कर दिया, नाखून लगा दिया या काट दिया नीचे से, क्या मालूम। वो फैलते फैलते ज़ख़म इतना फैल गया कि वहाँ पे एक गड्ढा नुमा हो गया है पेट में, और वहाँ पे सिर्फ पहले वाले हॉस्पिटल में उन्होंने सिर्फ टिंचर आयोडीन लगाया और बोले जाओ आप 5 दिन तक ये दवा पिलाओ। कोई जानवर कैसे दवा पी सकता है यार। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको यहाँ पे भर्ती करा दें, इसका जो फटा पेट है यहाँ पे ये लोग इलाज कराएंगे, उसको हर रोज़ ज़ख़म सूखने के लिए एक इंजेक्शन देंगे और इसका इलाज यहीं पे 500 रुपये लेके इसे हम भर्ती कराएंगे। इसको अभी वापस थैले में डाल के अभी वो लेके जाएगा बंदा, जहाँ पे इसको पिंजरे में 1 हफ्ता भर रखेंगे इसके ज़ख़म सूखने तक, इसको इलाज मिलेगा। इसको वापस हम लोगों ने, सॉरी फॉर मेरा जो बास्केट था वो मिसिंग था, इसके वजह से हम लोग को इसमें लाना पड़ा, नेक्स्ट टाइम मैं बास्केट में ही लेके आऊँगा। आज इसको डिस्चार्ज मिला है, आज घर ले आए हैं, इसकी ज़ख़म सूखी है, टाके वगैरह है अभी तक, टाके अभी निकाले नहीं है, टाके अभी पेट में ही लगे हुए हैं। बस इसको घर में अभी घर का खाना खिलाने के लिए इसको घर पे लेके आए हैं, 5 दिन इसे हम घर पे ही इलाज देंगे। और इसके जो स्टिचेस है जो पेट में सिलाया हुआ जो धागे हैं वो वहाँ पे निकालेंगे, स्टिचेस टाके इसके जो भी हैं वो 5 दिनों बाद दवाखाने फिर से लेके जाने। टिंचर आयोडीन आराम आराम से, आराम आराम से। कॉटन से लगा के वो आराम आराम से, कॉपरेट प्लीज। दवा पिलाने के लिए इस सिरिंज में जितना भी इसके ऊपर मेजरमेंट लिखा है वही सिरिंज में भर के उनको पिलाना है। इसको हॉस्पिटल से अभी घर लेके आए हैं, डॉक्टर बोले अभी इसके स्टिचेस अभी सूखे नहीं हैं, इसको हम लोग दोबारा घर ले आए हैं, वापस इसको कुछ दवाइयाँ करनी होंगी घर पर, फिर बाद में उसके वापस टाके करने के लिए दोबारा लेके जाना होगा। ये डॉक्टर ने नई दवा लिख के दी है उसके ज़ख़म के लिए, अभी फ़िलहाल तो यही उन्होंने बोला है घर पर, ये थोड़ी थोड़ी लगा दे रहो जब तक सूख ना जाए ये ज़ख़म, अगर जब ये ज़ख़म सूख जाएगी तो दोबारा इसे टाके रिमूव करने के लिए हम लोग वापस दोबारा लेके जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।